अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़वाल निवासी 28 वर्षीय प्रवेश पत्र सूर्य लाल बीघा 6 जून को घर से अपने दोस्त पवन गुप्ता के साथ गांव के बगल स्थित बाग में मछली पार्टी करने गया, लेकिन देर तक वापस न आने पर प्रवेश की मां ने पवन के घर जाकर जानकारी किया तो पता चला कि देर रात तक पवन भी घर वापस नहीं आया। अगले दिन सुबह 5 बजे प्रवेश मूर्छित अवस्था में घर के पास मिला। लड़कों को बला के लेके गए, मना किया कि ले न जाओ, वो माने नहीं, लेके चले गए। जब खाने का टाइम हुआ तो हम हेरने लगे, पवन गुप्ता के घर गए तो उनके आदमी घर के कहें कि पवन गुप्ता यहाँ नहीं आए थे, तो आके हम सो गए। फिर उसके बाद में सुबह हुआ तो उसके बाद में ये उठे सुबह पहले तो कहते हैं कि अम्मा भैया और कोलियम परा है, तो हम दौड़ते दौड़ते आए उसके लगे, तो उसके थोड़ी थोड़ी सांस चलती थी। अच्छा। तो इसके पिताजी के लगे बाग में रहे, फ़ोन किया तो जल्दी से आए और दो लोग टोला के आए, खटिया पर वो करके पहुड़ा दिए, उसकी सांस सांस चलती रही। तो आए जल्दी से लेके कहें कि वो जाओ सरकारी अस्पताल में दवाओ, वहाँ गए थे 3 ठी सुई लगी, वो होश में नहीं आई तो कहे सीरियस है इसका, बहुत जल्दी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से लेके जाओ। तो वहाँ से हम ले गए अमेठी, तो वहाँ 1-2 घंटा भर्ती रहा, उसके बाद में रिफ़र कर दिया लखनऊ का। तो 1 बजे लखनऊ में जौटे तो के बाद वहाँ भर्ती लिया, भर्ती लेके तो दवाई चालू हो गए, उसके बाद शनिचर का 11 बजे रात में ख़त्म हो गया। तो वहाँ से हम लेके आए, रोने पीटने दिमाग नहीं काम किया, उनको कुछ लोग कहें कि मट्टी कर दो, तो हम लोग कुछ कन्फर्म नहीं पाए थे, 3 दिन से वहाँ पड़े रहे थे तो कन्फर्म नहीं पाए थे, उसकी मट्टी कर दिया। बाद में मट्टी हो गई तो सब वो कह रहे हैं लोग कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और हम क्या नाम था? तो हम लोग जब मिला था चोट लगी थी कहूँ कहीं नहीं, रत्ती भी चोट नहीं लगी। डॉक्टर ने बोला कि कैसा हुआ कि चोट नहीं लगी, तो उसके बाद माँ उनके जो नल की डारी गए पेशाब रस्ता खून गिरता रहा, डॉक्टर घबराएगा वहाँ। उसके बाद माँ 11 बजे रात में ख़त्म होएगा तो रिफ़र कर दिया, वो तो पैसा ले लेंगे, वो ले लिया। हम लोग आए यहाँ तो नात बात गांव देश सब उठुरा, तो उसमें बाद में है कि इसका मट्टी कर दो, अब हमारे कान में नहीं, गांव भर में मैं नहीं कह रहा कान में कान ऐसा हुआ हमारे कान में नहीं पड़ा। जो गाँव वाले कहते थे कि इसको धोखा हुआ इसके साथ कोई धोखा किया था। तो फिर हम मैंने सुना तो गए वहाँ चौकी पर, तो चौकी पर गए तो रिपोर्ट नहीं लिखा, कहे तुम दफनिया के आए हो हम क्या करें, जाइए हम नहीं लिखेंगे। तो क्या किया आपने? तो कुछ नहीं, हम आके घर बैठ गए थे। तो हम क्या कि हमारा नहीं सुनेंगे, किसी भैया का पैर पकड़ेंगे तो वो सहारे से हमारा सुना जाएगा। तो भैया लोग ने पैर पकड़ा तो वो दरखास्त सब कुछ हुआ साहब। कहाँ पे आपने उच्च अधिकारियों के पास भी गई थी? हाँ, मतलब दरखास्त जो पड़ी थी तो कुमारगंज थाना गई थी। तो गांव का मामला है घोड़ोल, कौन सा थाना है? कुमारगंज। आपका क्या नाम है? चंद्रावती।